गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी वॉम वेलकम टू यूपीएससी 101। बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप लोगों का एक बार फिर से यूपीएससी 101 पे मंडे आज वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास में। एंड मैंने पहले भी बताया था, दिस इज लेक्चर नंबर 10 हम कर चुके हैं, तो दिस इज बेसिकली द लेक्चर नंबर 11। सो एक बार बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, खुशियां, सफलताएं, बहुत सारी चीजें मेरे देश के नाजुक जवानों। जल्दी जल्दी फटाफट आने की कोशिश कीजिए, एक बार जरा अपने ग्रुप वगैरह में इंटीमेट कीजिए। क्लास काफी टाइम से शुरू हो चुकी है और आप लोगों को आदत है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आने की। सो बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, फटाफट एकदम गोली की रफ्तार से आइए, जरा शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि हमारे और सारे नाजुक जवान उपस्थित हो सके और जल्द से जल्द हम क्लास को शुरू कर सके। सो हमेशा की तरह जो एक नैरेटिव जनरेट हो गया है उसको तो कहने की मेरी आदत हो गई है, दैट अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। आई अभिषेक एज योर एडुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर स्वागत करता हूं आप लोगों का यूपीएससी 101 पे अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 11 के साथ, जहां पे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि लास्ट क्लास हमारी जो फ्राइडे को हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें आगे बढ़े थे, कुछ बातें जानने की कोशिश करी थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आखिर हुआ क्यों, ये देखने की हमने कोशिश की थी बेसिकली कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुआ था, उसी को आज एक अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सफलताएं और स्माइल्स आप लोगों के लिए, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू। एक बार जल्दी जल्दी फटाफट अपने ग्रुप में इंटीमेट कीजिए और उपस्थित होइए वर्ल्ड हिस्ट्री वाली कॉपी को लेकर मेरे समक्ष, राइट। एक बार जल्दी जल्दी विदाउट एनी फर्दर डिले, एक बार जल्दी जल्दी मैं देखना चाहूंगा सब लोगों को आपको, ठीक है। सो गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस इज लेक्चर नंबर 11, जैसा आप लोगों को ध्यान रहे दिस इज लेक्चर नंबर 11। और एक बार मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा दिखला दूं, ठीक है, कि भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करने की कोशिश करी थी। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड, राइट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, आफ्टर फिनिशिंग दैट द बिग वर्ल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द बिग नेम्स लाइक नेपोलियन बोनापार्ट एंड ऑल, इन सबको खत्म करने के बाद हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, होपफुली आपको अच्छे से याद होगा, बीच में दो दिन का ब्रेक हो गया है, एक तो संडे की छुट्टी ही थी, उसके बाद फिर सैटरडे ही था। जल्दी जल्दी आओ गाइस, कहाँ पे हो आप लोग, प्लीज बी क्विक, थोड़ा शेयर करो इसे फटाफट, ठीक है। और लाइक करने वाला काम भूलना मत, मैं बार बार और ओपनली कहता हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो बाद में देखता हूँ तो वही मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो जल्दी पहुंचिए वर्ल्ड हिस्ट्री की कॉपी, नोट्स मेकिंग का काम, ये सिलसिला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आई कीप ऑन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू किया था और कुछ बातें हमने देखी थी कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली है क्या। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू क्यों हुआ, और उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की थी कि आखिर वो बेसिकली इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुआ। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे कि इंग्लैंड के बाद बेसिकली ये कहां कहां कैसे कैसे शुरू हुआ, ठीक है, कहां कहां कैसे कैसे शुरू हुआ, इंग्लैंड के बाद इसका विस्तार कैसे हुआ और इसका एक प्रभाव क्या समाज पर देखने को मिलता है, ये दो बेसिकली बातें हैं जो आज हम फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक आल्सो, ठीक है। सो गाइस, एक बात बताना ईमानदारी से कि चीजें आप लोगों को मतलब अच्छा खासा वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब आप ठीक ठाक क्लासेस आप कर चुके हो 10 से 11 क्लास, लाइक यू नो सर्टेन बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें आप जानते हो, आप रिनाशा जानते हो, आप इनलाइटनमेंट जानते हो, आप यूरोपियन रिलीजियस रिफॉर्म्स या धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटिज्म जानते हो, ठीक है, आप बेसिकली अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हो, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन जानते हो, आप नेपोलियन की बारे में बहुत कुछ जानते हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, अच्छे खासा मतलब ठीक ठाक वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, और कहीं से भी किसी भी तरीके से आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, दैट्स माई वर्ड टू यू, ठीक है। ये पहले भी आप लोगों से पूछा था कि एक बहुत बड़ा हाइप होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का लेके, मतलब मैंने तो देखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक हाइप होता है, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की कहानी ही अधूरी लगती है अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब नॉलेज नहीं है। तो जब भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो कभी वर्ल्ड वॉर की बात होती है, कभी कोल्ड वॉर की बात होती है, कार्नेटिक वॉर की बात होती है, तो उस समय ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की बात होती है, सेवन ईयर्स वॉर की बात होती है, रशियन रिवॉल्यूशन की बात होती है, मतलब और हर जगह कहीं ना कहीं वो अधूरापन चला आता है, हर जगह कहीं ना कहीं वो अधूरापन चला आता है। सो हिस्ट्री के नॉलेज को कंप्लीट करना, मतलब देखो जैसे मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बेसिकली क्लास है गाइस, ठीक है, उसमें अभी तक आप लोग सोचोगे कि अरे सर, आप देखोगे पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इंडिया कभी नहीं आएगा, ठीक है।
तो मैंने पहले ही बोला था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडिया या पाकिस्तान को नहीं पढ़ने वाले हैं, रादर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम वैसा कुछ पढ़ने वाले हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री में वो सब कुछ पढ़ते हैं जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अब उसमें भारत में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है तो कहां से बताया जाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर जो वैसे इवेंट्स जिसने बेसिकली इस ह्यूमन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है, उन सब चीजों की शुरुआत यूरोप, अमेरिका, इन सब जगहों से ही हुई है। तो पहले हुई है, हमेशा आगे रहे हैं, तो आज भी आगे हैं। समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एक बहुत मतलब जब तक आप नहीं पढ़े होते, इसका एक बड़ा हाइप सा होता है कि अरे मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये है, वो है, नेपोलियन है, मसोलिनी है, ठीक है, क्या कहते हैं, बिस्मार्क है, तो हिटलर है, नेपोलियन है, मतलब। लेकिन चीजें कितनी सिंपल होती हुई नजर, मतलब मुझे नहीं लग रहा होगा कि अभी तक ठीक ठाक वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ लिया है, कहीं से कोई ज्यादा तकलीफ आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। साधारण जुबान में एक सिंपल तरीके से बेसिकली वैसे ही जैसा हमने कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ा है, वैसे ही इस चीजों को मैंने भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना के अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो ये सेगमेंट मैं करा रहा हूँ ना, करके रख देना ताकि मेंस का एक प्रॉपर एरिया का कंप्लीट हो जाए। दैट्स माय वर्ड टू यू, ठीक है। और साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस दिखाने का मतलब ये होता है कि आप देखो कि आपकी पढ़ाई क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से है कि नहीं। तो इसमें कहीं से भी दो मत आपको नहीं लगनी चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं मैं, आए हुए क्वेश्चंस है और आपकी पढ़ाई उससे आगे ही है कहीं, ठीक है, उससे कम तो किसी भी तरीके से नहीं है। एंड दैट मतलब आई टेल यू दैट यू कैन स्टे अश्योर्ड फॉर द कंटेंट। इसके लिए कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बस अब अपना काम कर लीजिए जुडिशियसली, मतलब ढंग से प्रॉपरली। क्लासेस कोई अगर छूट जाती है तो उसको कंप्लीट कीजिए, देन यू हैव मेक प्रॉपर, देन यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, ये वाला काम आप कंप्लीट कीजिए। तो फटाफट जल्दी जल्दी पहुंचिए, ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं इन चीजों से। इससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से यहाँ पे अभी कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को इंटीमेट करता हूं मैं दैट दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, स्टडी विथ अभिषेक अंडरस्कोर अकेडमी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जैसे मैं ग्रुप में देखता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं प्रायोरिटाइज भी ग्रुप को करता हूँ, ठीक है। पर्सनल मैसेजेस आप लोग करते हो तो पर्सनल मैसेजेस का वो पाइल ऑन होते होते बहुत हो जाता है और उसको देखने में टाइम लग जाता है। तो पहले मैं ग्रुप ही देखता हूँ, चाहे वो ये ग्रुप हो चाहे वो प्लस वाला ग्रुप हो। तो ग्रुप का एडवांटेज आप लोग उठाया कीजिए। एक तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे से, दूसरी बात चैनल पे का हिस्सा बनने से आपको मेरे बारे में, मैं कोई भी मैसेज अगर ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो आप पढ़ पाते हो, आप मेरे से बात कर पाते हो। मोर देन दैट क्या होता है उसके अलावा, बेसिकली क्या हो सकता है, सारी वीडियो अपडेट्स, सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती हैं। सो अगर आपको लगता है कि इन दिस जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी अगर मैं आपके लिए मददगार हो सकता हूँ, इफ यू हैव इवैल्यूएटेड मी पॉजिटिवली, तो आप डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए, दैट इज स्टडी विथ अभिषेक अंडरस्कोर अकेडमी। और ये तो मेरा तीसरा नाम है, ठीक है, आप लोगों ने ही रखा है, बहुत लोग मुझे इस नाम से ही पुकारने लगे हैं, तो ये याद रहना चाहिए। जोक्स अपार्ट, दिस इज माई एडुकेटर्स कोड ऑन द अनअकैडमी, AR101, AR इज माई नेम अभिषेक रंजन, 101 एक शुभ संख्या है, 101 51 रुपए, ठीक है, 1001 रुपए। तो AR101 इसको यूज करने के दो फायदे हैं, एक आपको 10% ऑफ किसी भी सब्सक्रिप्शन पे मिलता है, सेकंड आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिलती है, गाइडलाइन मिलता है आपको, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलती है इस प्रिपरेशन में कि ऐसे करो ये करो। आप प्लस ग्रुप का मेंबर होते हो मेरे, मैं उस पर कम्युनिकेट करता हूँ आपसे, ठीक है, वी मीट ऑन द जूम कॉल्स एंड ऑल, ठीक है। सो वहां पे मैं आपकी स्टडी को प्लान करता हूँ। पर्सनल मेंटरिंग का मतलब कि आपको पढ़ाई कैसे करना है ये वाला काम मेरा है, आपको बस पढ़ना है। सो फॉर दैट यू नीड टू यूज माई कोड AR101, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अनअकैडमी। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी पर्सनली कोई अपनी सोच है ये, ना, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। और स्पेशल क्लासेस के बारे में मैं बता दूं, मैंने कहा तो था कि मैं सैटरडे से क्विज शुरू करूंगा, बट नहीं कर पाया। इस वीक से डेफिनेटली एक क्विज करंट अफेयर्स का वीकली मैं शुरू करूंगा, वीक के 20 to 25 questions। हफ्ते में 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो कहीं से भी ढंग के नहीं होते हैं। अब सोशल मीडिया पे आप जाते हो तो बेवजह बिना मतलब का हर दिन 10 क्वेश्चन, हर दिन 15 क्वेश्चन, कहने का मतलब हफ्ते में 75-80 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, इतनी तो खबरें भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये बेकार का काम है। जो भी काम के 15-20-25 क्वेश्चन है, मैं हफ्ते में 2 स्पेशल क्लास, एक में हो जाए तो एक में ठीक है, 2 में हो जाए तो 2 में ठीक है, ये अब चलेगा।
तो एक करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ये वाला काम हो जाएगा क्विज का, एक आंसर राइटिंग पे हमारी क्लास चली रही है, और एक वर्ल्ड फोकस वाली हमारी क्लास चल रही है जिसकी दो लेक्चर्स हुए हैं। एक में हमने नेशनल हराल्ड केस डिस्कस किया है, दूसरे में हमने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एंटी डिफेक्शन डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे स्पेशल क्लास में फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी के ऐप पर इस नाम से मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे, ठीक है। खास करके जो लोग प्लस पे नहीं है उन लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब क्लासेस और फ्री लाइव क्लासेस जो ये स्पेशल क्लासेस होती है इनका आप लोग ऑप्टिमम एडवांटेज उठाइए, बहुत पढ़ाई इसी से हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंप्लीटली आप प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो, बट एक अच्छा खासा पढ़ाई, एक अच्छा खासा फाउंडेशन आप स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस से कर सकते हो। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आ गए हो सब? यार एक चीज मैं देख रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में धीरे धीरे तुम लोगों का ना इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, ये चीज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज, आपका इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा मोटिवेशन कम होगा, और मेरा मोटिवेशन कम हुआ तो कहानी खत्म होने लगी जल्दी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वैसा मैं करूंगा नहीं, बस हाँ मैंने मैंने बोला हुआ है कि मैं अपना कर्म हमेशा जुडिशियसली करूंगा, आप अपना काम कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ बनी होती है तो मुझे बेसिकली थोड़ा सा मोटिवेशन फील, मतलब अच्छा लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड यू गाइज आर एक्चुअली कोऑपरेटिंग इक्वली, ठीक है। सो जल्दी जल्दी पहुंचिए। सो ये सारी बातें तो हो गई, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे दो प्रश्न आपको दिखाए थे, 2015 में पूछा गया एक प्रश्न और 2013 में पूछा गया एक प्रश्न। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था कि क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ, और वहां के लोगों की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उसका जिक्र कीजिए, और उसको वर्तमान के भारत के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कंपेयर कीजिए। एक क्वेश्चन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट था, हालांकि ये समझ जाओगे आप आज की क्लास के बाद सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जापान में काफी लेट से आया, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके काफी लेट से आया और जापान में जो रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट था, ठीक है, वो बेसिकली डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट दैट वाज सीन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली 2013 का है। इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखने का मतलब गाइस ये होता है कि जब आप क्वेश्चन दिमाग में रखते हो और जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको हमेशा ये पता होता है कि आपको पढ़ाई किन प्रेमाइसिस में करनी है, बेवजह की पढ़ाई नहीं करनी है। ध्यान रखिए, पहले कभी हम एक डायलॉग बोला करते थे, आज वो डायलॉग फिर से रिपीट करता हूं कि आपकी पढ़ाई में, ठीक है, पढ़ाई में ही नहीं जिंदगी के जिए हुए हर वक्त में बेसिकली दो चीजें जरूर होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा वैल्यू एडिशन। याद है ना चीजें, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू एडिशन। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि भाई कोई भी आप काम करते हो, कोई भी आप कर्म करते हो, क्योंकि उसकी एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी एक उद्देश्यता होनी चाहिए, आपके कर्म उद्देश्यहीन नहीं होने चाहिए। और दूसरा वैल्यू एडिशन, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके करने के बाद उसका एक पॉजिटिव आउटपुट आपके में जरूर ऐड होना चाहिए, अदरवाइज किया क्या। सो पढ़ाई में भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली लागू होती हैं, और आप भी इंप्लीमेंट करो, यूजलेसली गोललेस डायरेक्शनलेस पढ़ाई मत करो, ठीक है। सदियों बीत जाएंगे यूपीएससी नहीं क्लियर होगा कभी, दुखी मत होना जब भी मैं ऐसा कहता हूँ। इट्स नॉट लाइक डिमोटिवेटिंग योर सेल्फ, इट्स जस्ट लाइक पुटिंग सम ट्रूथ बिफोर योर आइज, जो कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको सच्चाई से हमेशा रूबरू कराता रहूं, ठीक है। सो गोललेस, उद्देश्यहीन पढ़ाई, दिशाहीन पढ़ाई, ये सब नहीं करना है। ये सब करने के बहुत नुकसान है। एक नुकसान तो ये कि बेवजह का आप बहुत कुछ पढ़ने लगते हो जिसकी जरूरत नहीं है, और दूसरी बात कभी भी वो अपना बेवजह की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जिसका आउटपुट फिर बहुत गड़बड़ होने लगता है। सो ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक गाइडेंस के अंदर आप ये काम करो, बिकॉज इतना सब कुछ करना है ना गाइस यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, कि वंस यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है, तो सारी जर्नी इनकम्प्लीट हो जाती है, मतलब वो सफर कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग कि सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक्स, कभी भी ये सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, इसमें एकेडमिक्स के अलावा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा गूगल है, एक ऐसा गाइडेंस गूगल, ढूंढिए आप अपना भी, ठीक है। मैं ही हूं, मगर मैं हूं जो मेरे लोग, जिन लोगों ने मुझे गूगल बनाया है, ठीक है, मतलब आई एम डेडिकेटेड टू देम, ऐसा नहीं है कि फिर जिन लोगों ने नहीं बनाया उनके साथ मैं नहीं हूं, बट उनके साथ मैं ज्यादा पर्सनली कनेक्टेड हूं, दैट इज माई मोरल ऑब्लिगेशन, समझ में आ रही है बात। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है,
मतलब एक सिंपल सी बात मैं कहता हूं कि गाइडेंस इस प्रोसेस में बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवेज ये क्वेश्चंस देखने के बाद जब आगे हम बढ़े थे तो सबसे पहले तो ये बात कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज अ सिंपल प्रोसेस, सिंपल तो नहीं था, सिंपल तो किसी भी तरीके से नहीं था, वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जिसके अंदर मशीनीकरण हुआ था समाज का, मैकेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। मैकेनाइजेशन मतलब मशीन बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंग्लैंड से। 1760s का वो टाइम था, लगभग 100 वर्षों तक चला और पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक ये धीरे धीरे फैलता चला गया। मतलब समाज का मशीनीकरण अचानक से, और ये बात मैंने आपको बताई थी कि कहीं ना कहीं बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव उसी रेनासा और रिफॉर्मेशन के पीरियड में रखी जा रही थी, जब यूरोप में जागरूकता बढ़ी थी, साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़ी थी, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, सी रूट वगैरह वगैरह, ये सब जो सारी चीजें हुई थी यूरोप में, इसकी वजह से वहीं से कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति की नींव भी रखी जा रही थी। सो औद्योगिक क्रांति वॉज बेसिकली, और ये भी मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था कि क्रांति क्यों, क्रांति मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गोली बंदूक से धाएं धाएं करने लगे, क्रांति का मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रगल जो एक चेंज प्रोड्यूस करे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, इफ यू रिमेंबर, स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस, यस और नो? यस और नो? आई होप यू रिमेंबर, स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यही था, टाइम था वो 17, अगर टाइम मैं आप लोग को याद दिला दूं तो वो टाइम था बेसिकली, मानते हैं अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट तकरीबन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम ये मानते हैं यूरोप में बेसिकली, क्योंकि अमेरिका में तो 20th सेंचुरी, अमेरिका में तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है, 19th सेंचुरी में ही अमेरिका वगैरह में, लेकिन यूरोप में बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम, और यूरोप से ही शुरू भी हुआ है तो टाइम यूरोप में बेसिकली यही मानते हैं, और ये सारी बातें हम बेसिकली कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या बताया था मैंने, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह क्या था, तो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही पूंजीवाद की शुरुआत मान सकते हो, कैपिटलिज्म की, जब अंबानी और अदानी का जन्म हुआ, ठीक है, फैक्ट्रियां लगी, मशीन लगी, एक पर एक इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हुए, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एरा डिफाइनिंग पीरियड है, इसके पहले का यूरोप, इसके बाद के यूरोप में जमीन आसमान का फर्क है। इसके पहले के यूरोप में मैन बेस्ड प्रोडक्शन हुआ करता था, ठीक है, और इसके बाद के यूरोप में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हो गया। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हो गया तो क्या हुआ, उत्पादन अचानक से बहुत बढ़ेगा, उत्पादन अचानक से बढ़ेगा तो ठीक है, उस वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार की जरूरत पड़ेगी। वो बाजार इंग्लैंड ढूंढ रहा था अलग अलग कॉलोनीज के रूप में। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा उपनिवेश अमेरिका से लेकर जो भारत तक फैला हुआ था, अब याद करो इसे मॉडर्न इंडिया से भी जोड़ते रहना, इंग्लैंड उसे हमेशा अपने मार्केट के रूप में यूज करता था, जहां से यहाँ पे फैक्ट्री बेस्ड चीजें वहां पे ले जाके महंगे महंगे दामों में बेची जाती थी, और उन्हीं कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करता था। अब याद कीजिए बेसिकली वास्को डगामा से लेकर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक जो व्यापार होता था उसमें प्राइमरली कॉटन से लेकर सिल्क तक रॉ मटेरियल्स पहुंचाए जाते थे फ्री में, मुफ्त में वहां पे। तो जो कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, वो भी अमेरिका से लेके इंडिया तक फैली हुई थी, तो उसका बहुत विशेष कर लाभ मिला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। सो एरा डिफाइनिंग पीरियड कहते हैं, ओरिजिन इसका आप ट्रेस कर सकते हो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द एनलाइटनमेंट। ठीक है, मतलब दैट प्रबोधन काल से, रेनासा से, पुनर्जागरण प्रबोधन के काल से ही आप इसे ट्रेस कर सकते हो, जब नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हुई, ट्रेड फ्लरिश हुआ, मैरीटाइम ट्रेड, ये सब बता चुका हूं मैं, बस थोड़ा सा 10 मिनट रिवाइज कर रहा हूं मैं, ताकि नई चीजें हैं एकदम पहली बार जीवन में आप पढ़ रहे हो सकता है कि एक दो बार रिपीट किया जाए तो इस दिमाग में रुके। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद होते तो इतना रिविजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इन पर थोड़ा सा जीवन में क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो मैरीटाइम ट्रेड, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज बहुत सारे हुए, ट्रेड वगैरह पूरी दुनिया से यूरोप करने लगा, इसकी वजह से वहां पे वेल्थ बहुत क्रिएट हुआ, वेल्थ जबरदस्त क्रिएट हुआ, और वो वेल्थ बेसिकली पूंजी के रूप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए सबसे पहले तो पूंजी की जरूरत होगी ना, ठीक है, सो वो पूंजी भी यूरोप अच्छे से जमा कर चुका था। सो
तो ये सारे रीजंस आप दे सकते हो, ठीक है, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, ठीक है। तो ये सारे आंसर आप दे सकते हो कि हाँ भाई, पुनर्जागरण से ही यूरोप अपनी त्रुटियों को सुधारने लगा था, वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त करने लगा था, ठीक है, नए नए आविष्कारों और खोजों की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, साहित्यिक शुद्धिकरण में यूरोप इन्वॉल्व हो चुका था। तो यही सब वो पृष्ठभूमि है ना जो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जन्म देगा। पूंजी बहुत अच्छा कमा चुका था, वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में जुड़ चुका था, यही सब तो वो रीजन है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जन्म देगा। यस और नो? यस और नो? राइट, देख चुके थे। फिर हमने देखने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड में ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो गया था। एक बार बस थोड़ा समय आप लोगों को याद दिला दूंगा और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कहीं भी कोई भी चीज शुरू होने का क्या कारण होता है? वहां पे परिस्थितियों का फेवरेबल होना। अब मैंने आपको बताया था कि कोयले और लोहे का अच्छा भंडार था, जो कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था इस मैप पर। यहाँ पे देखिए, ये इंग्लैंड वाला रीजन है आपका, ये इंग्लैंड वाला रीजन है। तो आप, मैं जूम करके इसको दिखा देता हूं आपको, नाम चाहो तो आप लोग लिख लेना, ये कोयले के भंडार है। साउथ वेल्स, यॉर्कशायर, कैंपीन, कैंपीन, साउथ वेल्स, यॉर्कशायर और कैंपीन। वैसे भी आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये सब चीजें जरूर दिमाग में रहा होगा। जैसे जर्मनी का रूर कोल फील्ड, जब बात जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगी तो रूर कोल फील्ड का नाम आएगा। तो कोयले और लोहे की प्रचुरता, दोनों चीजों में से किसी चीज की कमी इंग्लैंड में थी नहीं, और इंडस्ट्री के फ्लरिश करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी थी, ठीक है। कृषि पद्धति में परिवर्तन वाली बात मैंने आप लोग को बता दी थी कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए थे वो इंग्लैंड में बेसिकली क्या हुआ था, खुले खुले खेतों को संरक्षित किया गया था जो मवेशियों की वजह से बर्बाद हो जाते थे, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ के प्रोडक्शन में इंग्लैंड बेसिकली क्या हो गया, सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, सफिशियंट हो गया, ठीक है। इसका भी इंडस्ट्रियल मतलब फूड सिक्योरिटी इसने अचीव कर लिया, तो तसल्ली हो गई ना। फिर अगर फूड सिक्योरिटी में ही उलझा हुआ रहता तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहां से होती, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जनसंख्या में वृद्धि, मतलब ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, इसका भी कारण मैंने आप लोग को बताया था दैट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह काफी इंप्रूव हुई थी, और उसकी वजह से अचानक से जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी उसकी वजह से बहुत आसान लेबर फोर्स ब्रिटेन को मिल गया, लेबर फोर्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इसकी जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब में काफी ग्रोथ हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। लॉजिस्टिक्स के रूप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इनकरेज करने में इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। पूंजी की उपलब्धता, ये बात हम समझ चुके हैं, ये पूंजी कहां से आई थी। अनुकूल राजनीतिक परिवर्तन, 1688 का ग्लोरियस रिवोल्यूशन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना। देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना मैंने आप लोग को गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई विल बी बैक, जस्ट आप लोग रहिएगा, बस जस्ट गिव मी वन मिनट, आई नीड टू अटेंड अ कॉल। ऑल राइट, चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉल था जो अटेंड करना था। तो ये बातें भी मैंने आप लोग को बताई थी। अनुकूल राजनीतिक परिवर्तन, 1688 का, अच्छा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन मैंने कहा था कि मैं आप लोग को बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना, देखो
मैंने बार बार बोला हुआ है पीछे की क्लासेस में कि जो 18वीं शताब्दी का समय है, 19वीं शताब्दी का समय है, लगभग पूरा यूरोप मोनार्किकल फेज में है, लेकिन ब्रिटेन बहुत पहले से पार्लियामेंट्री कंसेप्ट लेके आ चुका था ब्रिटेन में। और पार्लियामेंट्री कंसेप्ट के आने की वजह से यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्थाएं वगैरह सब समाप्त हो चुकी थी। पादरियों की पकड़ जो थी ना, मतलब क्लर्जी जो था यहाँ पे, उनकी जो कट्टरपंथी थी बहुत ज्यादा यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम थी। मतलब ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे ब्रिटेन बहुत पहले से जी रहा था, और उसका कारण था बेसिकली ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ज्यादा नहीं, 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग एक लाइन लिख लेना, ठीक है। उस समय के शासक थे जेम्स द्वितीय, ठीक है, और ये थोड़े कट्टरपंथी राजा थे। इनको हटा के इनकी बेटी राजगद्दी पे आई थी मैरी। ये बड़ी लीनियंट, लिबरल और अच्छी महिला मानी जाती थी, ठीक है। और इसी के बाद बेसिकली इसी को गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम था ब्रिटेन का वो काफी परिवर्तित हुआ था, और पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। और कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत ब्रिटेन में 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से ही हो गया था। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जाना इसीलिए जाता है कि ब्रिटेन में मोनार्की को बेसिकली पार्लियामेंट्री कंसेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जाना जाता है। राजा वगैरह का नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जेम्स द्वितीय, और उनकी उनको वो थोड़े से मतलब थोड़े साम्राज्यवादी, थोड़ा राजतांत्रिक थे, मतलब राजतंत्र में भरोसा। तो बेटी जो इनकी थी बड़ी अच्छी थी, ही वॉज अ लिबरल एंड लाइक अ वेरी प्रोग्रेसिव लेडी मैरी। और इसके बाद बेसिकली ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट को बहुत पावरफुल बना दिया गया था। तो कहते हैं कि मोनार्की लगभग मोनार्की का पतन वहीं से ब्रिटेन में शुरू हो गया। तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला था, आप लोग लिख लेना ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और कि वहीं ये जो सामंतों की व्यवस्था वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पनप पाई थी, और इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे शुरू होने के लिए सब बेहतरीन स्थितियां हैं जो आपको दिमाग में रखना है। भौगोलिक स्थिति मैंने बता दिया है, बंदरगाहों की कमी नहीं होना आपको बताया था कि चारों तरफ से तो ये सागर से घिरा हुआ है। सागर से घिरे होने की वजह से क्या है, बंदरगाहों की कभी कमी नहीं हुई, और बंदरगाहों की कमी नहीं होने की वजह से ट्रेड में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात आपको पता ही है, नौसेना, इसकी नेवी का कोई जोड़ा ही नहीं था, इसी की वजह से फ्रांस इसको कभी नहीं हरा पाया था। इंटेलेक्चुअल कॉज, एडम स्मिथ उस समय की याद करो, रेनासा पीरियड के, रेनासा नहीं उसके आगे के पीरियड के, इनलाइटनमेंट एंड ऑल, ठीक है। एडम स्मिथ द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द कंसेप्ट ऑफ द लेसेज फेयर, ये वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था। लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये शब्द अगर आप लोगों को याद हो, होपफुली, लेसेज फेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा स्टेट जहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में स्टेट का इंटरवेंशन मिनिमम हो। कहने का मतलब कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की जा रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है। स्टेट का इंटरवेंशन कम हो मतलब इकोनॉमी में लीड कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स। ऐसे इकोनॉमी को आप क्या कहते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्री ट्रेड का कंसेप्ट हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा किस चीज को प्रमोट करने की बात करेगा, फ्री ट्रेड का कंसेप्ट प्रमोट करने की बात करेगा, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो इसी आधार पे आज का ग्लोबल ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो इसी डॉक्ट्रिन्स पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस इज नथिंग बट ऑल द कंसेप्ट ऑफ एडम स्मिथ, इसीलिए आप इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी मानते हो। तो इनकी थॉट ने भी बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को काफी प्रोत्साहन दिया, ठीक है। वास्ट कॉलोनियल स्प्रेड एंड रॉ मटेरियल्स, अमेरिका से लेके इंडिया तक जो इसका विस्तार था, उसके दो फायदे इंडिया इंग्लैंड को मिले, ठीक है। एक तो रॉ मटेरियल्स की कभी कमी नहीं हुई, और दूसरा बात लेबर फोर्स की भी कमी नहीं हुई, और तीसरी बात, ठीक है, गुलामों को ले जाके काम करवाते तो थे, और तीसरी बात कि एक जबरदस्त मार्केट भी, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं,
तो इनका प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसको बेचोगे कहां, मार्केट चाहिए, तो वही कॉलोनीज मार्केट भी बन जाती थी। तो कुल मिला के इन सारी परिस्थितियों की वजह से, सारी फेवरेबल परिस्थितियों की वजह से इंग्लैंड में बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अच्छे से आप लोग डिटेल, फिर से मैंने सारा अच्छे से रिवाइज कर दिया है, तो ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये दो तीन दिन याद रहेगा बाकी सब भूल जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इलैबोरेट कर लेना जहां जहां मैंने जो बातें बोली है। अब इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आपको मिल चुका है, दैट व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन द इंग्लैंड, सीधा पता है। अच्छा ये तो सिंपल सी बात है, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वालिटी ऑफ द पीपल क्या होगी वहां पे, अच्छी होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है, हेल्थ स्टैंडर्ड सुधरेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं, दैट यू विल हैव टू, वो भी आपको यहां पे, दैट यू विल आल्सो हैव टू से हियर, कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी बढ़ती चली गई। कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो हुआ जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब वही अंबानी और अदानी, और बाकी सब लोग श्रमिक हो गए। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी राइट इन द यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली ऐसी स्थिति भारत की आज है, मतलब ये जो पूछ रहा है ना कि हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो आप इसके बारे में बस आप एक लाइन में सोचो कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बेसिकली इंग्लैंड में हो रहा था, वैसी कहानी बेसिकली इंडिया में, ठीक है, लगभग उसी फेज में इंडिया गुजरता हुआ, उसी लगभग उसी फेज में इंडिया अभी उसको लांघता हुआ नजर आ रहा है, इज ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द सेम फेज, ठीक है, जहां इतनी इनइक्वालिटी है, जहां अभी ग्लोबल रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो आज समझो इसका मैकेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो आप ऐसे कहो कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बेसिकली इंग्लैंड में हो रहा था, वो लगभग भारत अब करता हुआ नजर आ रहा है, बस ये कहानी है। एंड दिस इज द कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में अभी आप देखिए, अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमेरिका और इंग्लैंड में उतना देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इंडिया में तो अभी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो रिफॉर्म्स एलपीजी अभी हुए हैं, ये सारी बातें वही बात आपसे पूछने की, मतलब दिस लाइन इज जस्ट चेकिंग कि आप कॉमन सेंस कितना लगा सकते हो, अंतिम वाला लाइन, ठीक है, आगे बढ़िए। इसके आगे बढ़ेंगे जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, कॉटन वगैरह का रॉ मटेरियल बहुत यूज करता था कि नहीं इंग्लैंड, इंडिया से कॉटन कपास बेसिकली रॉ मटेरियल के रूप में जाता था, बार बार पढ़ते थे, ठीक है, और कपड़ा बन के और फिर यही आके बेचा जाता था महंगे दामों में, और यहाँ पे अंग्रेजी बाबू लोग थे, हमारे भारत के अंग्रेजी बाबू लोग, ठीक है, हिप्पी कट बढ़ा बढ़ा के और डेढ़ मीटर मोहरी वाला पैंट, उस अंग्रेजी सूट वाले नेक वो टाई लगा के अपने आप को, ठीक है, साफ अंग्रेजों के चापलूस, ये वही अंग्रेज भारतीय थे जिसको इंडियंस चाहते थे कि ये हमारी तरह हो जाए, लाइक माइंडेड पीपल, सो कॉल्ड द मिडिल क्लास ऑफ द इंडिया, सब साजिश थी। अब देखोगे बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कहानी आगे बढ़ती गई, जैसे स्पिनिंग जेनी, जेम्स ग्रीव्स, देखो नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है, और सैमुअल क्रॉम्पटन, ये म्यूल मशीन है, ये सब सूत काटने वाले मशीन है, इन सबसे बेसिकली जो वीविंग है, कपड़ा बनाने का काम बहुत आगे बढ़ा। अब देखो दो नाम मैंने ये दो क्यों दिखाया, और भी बहुत सारे नाम है, जेम्स ग्रीव्स, इन्होंने एक मशीन बनाई दैट इज स्पिनिंग जेनी, और आगे चल के इसको मॉडिफाई करके स्टीम इंजन पे चलने वाला यह मशीन है, दैट इज म्यूल मशीन इसको कहते थे, काफी एफिशियंट था, इसमें सैमुअल क्रॉम्पटन है और यहाँ पे जेम्स ग्रीव्स है। आज एक इलेक्ट्रिक कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नाम सुनते हो कि नहीं आप, ब्रिटिश कंपनी है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नाम देख लो आप, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कौन थे, दो लोग थे, जेम्स ग्रीव्स एंड दिस सैमुअल क्रॉम्पटन। यही पे एक बहुत सरप्राइजिंग बात मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, जैसे में 1846 एक इन्वेंशन और हुआ था, एक व्यक्ति थे हॉवे सिलाई, ऐसे नहीं था, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप देखिए बताता हूं मैं, आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। हॉवे सिलाई,
इन्होंने बेसिकली 19th सेंचुरी में ही सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। कपड़ा से संबंधित जबरदस्त विकास हुआ था, ठीक है, सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। अब ये सिलाई जो है ना, ये सिलाई शब्द बेसिकली कहां से आया है, देखो ये सिलाई शब्द बेसिकली उस व्यक्ति का नाम था। आज हमें लगता है हिंदी का शब्द है या कोई शब्द है, सिलाई मशीन, सिल देना है, सिल दो, सिलाई मशीन है, वो व्यक्ति का नाम था बेसिकली हॉवे सिलाई। उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार उसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेज के दौरान किया था और उसी की वजह सिलाई मशीन का उसका सिलाई मशीन क्रांति भी उसको कहते थे, ठीक है, वाज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आज आप कहते हो सिलाई मशीन, सिलाई क्या कहते हैं, सिलाई मशीन मेरे घर पे है, सिलाई मशीन, सिल दो कपड़ा को, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग, समझ रहे हो। तो ये नाम बेसिकली वहीं से आया है, हॉबी सिलाई, कैन यू इमेजिन दिस थिंग, ठीक है। तो ये सब सूत काटने वाले अलग अलग मशीन बनते रहे। यहां पे अगर आप आओगे स्वेज कैनल, देखो उस समय, उसी समय बेसिकली स्वेज कैनल का भी तो आविष्कार हुआ था जिससे ग्लोबल ट्रेड को जबरदस्त फायदा मिला था, ठीक है। स्वेज कैनल जो एक फ्रांसीसी अभियंता थे, स्वेज नहर को बेसिकली 1869 में, ठीक है, दैट वाज द नेम वाज बेसिकली फर्दीनांद लेस्टेस, यस, फ्रेंच इंजीनियर, अगर नाम लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है, मैं अगर दिखाऊं तो स्वेज कैनल आपका कहाँ पे है, ये रेड सी है आपका, तो ये सिनाई पेनिनसुला, इफ यू रिमेंबर दिस छोटा सा ट्राइंगुलर एरिया जो इजिप्ट का, दैट इज सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला को ही कट करके तो बेसिकली स्वेज कैनल बनाया गया है। अच्छा है, अच्छा खासा आप ये बात जानते हो, मैं जानता हूं कि आप ये बात जानते हो। इसी को काट के यहाँ पे तो स्वेज कैनल है, अब जूम करके मैं इसको दिखाता हूं, तो ये जो ट्राइंगुलर जगह यहाँ पे दिख रही है ना, दैट इज बेसिकली स्वेज कैनल, सिनाई पेनिनसुला, इसको काट के रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ा गया था। तो ये काम भी बेसिकली उसी समय, इससे भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिला था। दैट वाज 1869 का वो टाइम था, दैट टाइम वाज द टाइम ऑफ द 1869, जब इंजीनियर का नाम था, दैट वाज फ्रेंच इंजीनियर थे वो, फर्दीनांद लेस्टेस। फ्रेंच इंजीनियर, इन्हीं को करता धरता माना जाता है बेसिकली स्वेज नहर का। तो ये सब जो डिस्कवरीज हुई सिलाई मशीन से लेकर, ठीक है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी एंड ऑल, ठीक है, स्टीम इंजन वगैरह का, इसमें देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, हाँ, स्टीम इंजन शिप जहाज भी बना था, रॉबर्ट फुल्टन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये ब्रिटेन के, रॉबर्ट फुल्टन जो टाइटैनिक बनाया था इन्होंने पहली बार, टाइटैनिक मतलब स्टीम इंजन से चलने वाला जहाज। इससे पहले जहाज चाहे सागर में चले या महासागर में चले कैसे चलता था, लोग पतवार से खेते थे, दो दो सौ लोग, चार चार सौ लोग, पांच पांच सौ लोग, वैसे ही पहली बार स्टीम इंजन, रॉबर्ट फुल्टन ब्रिटेन के ही थे बेसिकली 1807, इन सबसे जबरदस्त प्रमोशन मिला ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को, जितना ट्रेड हुआ उतना वेल्थ अक्यूमुलेट हुआ, जितना वेल्थ अक्यूमुलेट हुआ उतना ही बूस्ट मिला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। तो इन सब इन्वेंशंस ने, इन सब डिस्कवरीज ने बेसिकली, ठीक है, टाइपिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ, टेलीग्राफ का ग्रोथ हुआ, ठीक है, मतलब बहुत चीजें, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो एक नई ऊंचाई पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके गया विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूल मशीन एंड द स्पिनिंग जेनी से लेकर सिलाई मशीन तक, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, बहुत चीजें, स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन शिप, इन सब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरा मतलब इंग्लैंड, यूरोप, इंग्लैंड मैकेनाइज्ड होता चला गया। दिस इज बेसिकली दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, समझ में आ रही है बात? तो ये बातें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, राइट, इन इन्वेंशंस और डिस्कवरीज वाली बात। अब जरा इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड में तो कहानी हो गई, इंग्लैंड के बाद बेसिकली आप बाहर निकलते हो तो इंग्लैंड के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे कैसे कहां कहां ग्रो हुआ है, कैसे कैसे ग्रो नहीं, कैसे कैसे कहां कहां स्प्रेड हुआ है, फैला है, तो जरा मैप पे आ जाइए। इंग्लैंड के बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको मैं बताऊं तो जर्मनी में आइए, जर्मनी इंपॉर्टेंट नाम है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यही सब देखेंगे ना, तो जर्मनी बेसिकली आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये है, जैसे जो मतलब कहां कहां हम देखेंगे,
जैसे हम अगर देखना चाहें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में, तो वी वुड लाइक टू सी इन द जर्मनी कि भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे कैसे पहुंचा, फ्रांस देख सकते हैं, जर्मनी देख सकते हैं, फ्रांस एशिया में अगर हम आए तो रशिया देख सकते हैं, जापान की बात करना जरूरी है, इंडिया वगैरह चाइना वगैरह इन सब में तो दूर की बात है, ठीक है, इधर अमेरिका देखना जरूरी है, इन सब जगहों को हम देख सकते हैं, मेजर एरियाज, राइट। सो इंडिया में तो अभी तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ है, हम तो एलपीजी से ही काम चला लेते हैं, बाहर सबको बुला बुला के ना बनवा लेते हैं, ठीक है। इन लोगों ने सब काम खुद से किया है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। तो अगर आप जर्मनी में आते हो तो जर्मनी में बेसिकली देखो, अब जब चीजें हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जर्मनी की कहानी आपको अगर मैं अभी बताऊं मोटा मोटा, तो आप देख रहे हो जर्मनी टूटा फूटा क्षेत्र, अभी तो ये तो ओरिजिनल मैप है ना, अभी का वर्तमान का मैप है, लेकिन पीछे की क्लासेज याद करो, जर्मनी जो क्षेत्र था वो अलग अलग साम्राज्यों का, ठीक है, मतलब आज का जो जर्मनी है वो अलग अलग साम्राज्यों, प्रुशियन, प्रशा साम्राज्य, प्रशियन एम्पायर अगर आपको याद हो, जिसको नेपोलियन ने धोया था, प्रशा, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, इन सबको बेसिकली यूनिफाई करके, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, जो कि 1871 में हुआ था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत उससे पहले ही लगभग हो चुकी थी जर्मनी। अब पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है, दो देशों का यूनिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पढ़ने पढ़ेंगे इसके बाद वहीं से पढ़ेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिन दोनों में बेसिकली नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल होगा। सो आज जो वर्तमान का इटली आपको दिख रहा है या जर्मनी जो दिख रहा है, वो उस समय नहीं था ना, उस समय तो अलग अलग साम्राज्य थे, बंटवारा करके इस तरीके का यूरोप बनाया गया है, ठीक है। सो जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब 1850s 60s के दौरान शुरू हो गया था, और इसका भी महत्वपूर्ण रीजन बेसिकली यही था कि जर्मनी में भी लोहा और कोयले की कहीं से कोई कमी नहीं थी, लोहा और कोयले की कहीं से कोई कमी नहीं थी, ठीक है। हाँ, लोहा और कोयला की कहीं से कोई कमी नहीं थी, फिर भी जर्मनी में बेसिकली चीजें थोड़ी डिले हुई, मतलब एज कम, आप लोग ये बात नोट करना गाइस, एज कंपेयर टू फ्रांस, मतलब अगर कहा जाए कि इंग्लैंड के बाद एग्जैक्टली फ्रेंच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पहुंचा, तो वो फ्रांस, हर रीजन फ्रांस के पास है, ठीक है, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध, खनिज से परिपूर्ण हर चीज उसके पास है। तो इंग्लैंड के बाद अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सॉरी बार बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किसी को अगर टच किया है इंग्लैंड के बाद, तो वो फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी। जर्मनी के कुछ कारण बता सकता हूं मैं आपको, जैसे जर्मनी थोड़ा पिछड़ा था, उसका यूनिफिकेशन भी अभी नहीं हुआ था, टूट भंग करके था, मतलब अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो बहुत सारे सोसाइटी में कंफ्लिक्ट थे, लेबर फोर्स की कमी थी, स्किल्ड फोर्स की कमी थी, आपसी मतभेद में क्या होता है, ठीक है, देश का ही तो, क्षेत्र का ही तो नुकसान होता है। तो इन सब चीजों की वजह से एज कंपेयर टू फ्रांस, जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा फ्रांस के बाद हुआ था। फ्रांस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ्रांस तो मालिक बन के बैठा हुआ है, यूरोप के तो दो ही मालिक ना, एक तो इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद बेसिकली फ्रांस। तो इंग्लैंड के बाद अगर फ्रेंच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किसी को टच किया, दैट वाज फ्रांस। फ्रांस के बाद जर्मनी। जर्मनी में डिले क्यों हुआ मैंने आपको बताया, प्लीज कीप दैट, उसको नोट कर लेना। जैसे पूछ दिया है ना कि जापान में लेट क्यों हुआ, हो सकता है अगली बार पूछ दे कि जर्मनी में बेसिकली लेट क्यों हुआ, तो क्योंकि वो उसका यूनिफिकेशन अभी हुआ नहीं था, वो टूटा फूटा डिसइंटीग्रेटेड रीजन था, प्रशा एम्पायर, ऑस्ट्रेलियन और हंगरियन एम्पायर के बीच में बटा हुआ, यूनिफिकेशन अभी उसका होना था, जो कि आगे चल के 1871 में हुआ था, तो इसलिए चीजें देर से शुरू, कंफ्लिक्ट में था पूरा सोसाइटी। ऐसे में आप किसी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कैसे कर सकते हो, जब समाज के अंदर ही इतना बड़ा सोशल और पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो समझ में आ रही है बस। बट हाँ, जर्मनी में रिवॉल्यूशन हुआ, और यहाँ भी कोयले वोयले की कमी थोड़ी है, जर्मनी वाला क्षेत्र में आओ आप, ये जो रूर कोल फील्ड देख रहे हो, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कोल फील्ड्स ऑफ यूरोप, ठीक है, ये जो रूर कोल फील्ड देख रहे हो, जर्मनी वाला ही क्षेत्र तो है, सैक्सोनी का क्षेत्र, रूर का क्षेत्र, बेसिकली ये सब जर्मनी का ही तो क्षेत्र है,
ठीक है। और आगे चल के बेसिकली जब जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1860s के दौरान हुआ, तो जर्मनी ने तो लगभग कुछ मामलों में तो पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया कुछ मामलों में, ठीक है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हुआ, लोहे का उद्योग हुआ, ठीक है, लोहे का उद्योग हुआ, या डाइस जो क्या कहते हैं सिंथेटिक डाइस, कृत्रिम रंग, याद करो मॉडर्न इंडिया, याद करो मॉडर्न इंडिया, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती। अचानक से वहां पे एक बात पढ़ते हो कि नहीं कि यूरोप के बाजारों में सिंथेटिक डाई का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी वजह से यहाँ की नील की खेती की जरूरत अब अंग्रेजों को नहीं पड़ती थी। याद करो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, वो तो बहुत आगे चला था, नील विद्रोह जो 1857 के आसपास हुआ था, दीन बंधु मित्रा नील दर्पण, नील विद्रोह 1857 के आसपास जो हुआ था। और जर्मनी में बेसिकली 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते, मतलब 1880-90 तक आते आते सिंथेटिक डाई का आविष्कार कर लिया था। कुल मिला के मतलब दुनिया में जितना भी सिंथेटिक कलर प्रोड्यूस होता था उसका 80-90% जर्मनी अकेला प्रोड्यूस करता था। देख रहे हो कैसे कड़ियां कहां से कहां जुड़ रही हैं मॉडर्न इंडिया की यहां पे, ठीक है। मतलब लोहे के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, सिंथेटिक डाइज के क्षेत्र में, ठीक है, जर्मनी वॉज लीडिंग। देर से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ लेकिन जर्मनी बेसिकली वही देर आए सवेद लेकिन दुरुस्त आए। दो तीन चीजों में बेसिकली इसने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया था, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक था लोहा और दूसरा सिंथेटिक डाइज। याद रखिएगा एंड प्लीज कीप ऑन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने बेसिकली फ्रांस देख लिया, जर्मनी देख लिया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। अब इधर चले आओ जरा रशिया में आ जाओ, ठीक है, पहले अमेरिका में आ जाओ। देखो अमेरिका के बारे में आप लोगों ने देखा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है, वो 18 सेंचुरी की कहानी थी। लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बावजूद भी, ठीक है, अमेरिका बेसिकली कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर तो हुआ नहीं। अमेरिका में आगे चल के 1861 to 65 में गृह युद्ध भी होगा और कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन इससे पहले तो 1760s के दौरान 1776 में तो अमेरिका का संविधान लिखा गया, लेकिन अमेरिका एक्चुअली स्टेबल इस गृह युद्ध के बाद ही हुआ है 1861 to 1865। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत बीच में हो गई है, अमेरिका वॉज लाइक प्रॉपरली, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी नॉर्मल रहा और 19th सेंचुरी के शुरू में, क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी के एंड तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छे काफी अच्छे से, स्वतंत्र तो हो ही चुका है ना, आंतरिक विवाद है लेकिन डेफिनेट सी बात है कि एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट तो है ना, ठीक है। तो अमेरिका हो गया, रशिया के बारे में आओगे तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जोर पकड़ा है, ठीक है, रशिया में भी साम्राज्यवाद था, जार्स वगैरह, ठीक है, जार्स वगैरह, निकोलस, वो जार साम्राज्य। तो उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति की बात की जाती है 1917 में, पढ़ते हो ना इंडिया, जब मॉडर्न इंडिया में 1917 जब जार साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी जुड़ी हुई है, अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर मन करे तो स्पेशल क्लास में जाके देख लेना, मैंने सारा वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर वहां पे पढ़ाया हुआ है, या फिर रुक जाओ, अब वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर तो यहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहां से साम्राज्य का पतन होता है, लेनिन जैसे, व्लादिमीर लेनिन स्टालिन जैसे लोग जब इसकी धरती पर आते हैं 1917 में, अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन का वर्ष यही है, इसी के बाद यहाँ पे बेसिकली प्रजातंत्र की शुरुआत होती है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी अपने चरम पर रशिया में तभी 1917 के बाद ही होता है। तो रशिया में भी ये डिलेड हुआ है, रशिया में भी ये डिलेड हुआ है। एंड उसके बाद अगर जापान आप देखोगे तो जापान में तो बेसिकली भी वही, जापान का भी टाइम वही है 1920 के आसपास, 1920s के आसपास, यहां भी डिलेड रिस्पॉन्स रहा और उसका भी बेसिकली जो रशिया 1920s कहां से आ गया, यहां भी बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1860s से ही यहां पे, मतलब रशिया तो सबसे डिलेड है,
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1860s के दौरान मतलब एक मेजी वंश की बात की जाती है। मेजी नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। मेजी वंश का नाम लिया जाता है, ठीक है। इसी की पुनर्स्थापना से इसकी पुनर्स्थापना से जापान में बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर आप कह लो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ था। इसके पहले ये भी बेसिकली सिविल कंफ्लिक्ट और आपसी विवाद में घिरा हुआ था। तो इस तरीके से आप देखते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली अक्रॉस द ग्लोब कैसे फैला है, ठीक है। इट रिमेन अनटच्ड टू दिस लैटिन अमेरिकन एरियाज एंड टू दिस अफ्रीकन लैंड एंड प्रिसाइसली पूरे एशिया में भी तो लगभग अनटच्ड ही रहा, ठीक है। ये वो तीन एरियाज है जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं टच कर पाया। एशिया में एक दो कंट्रीज लाइक रशिया, जापान इज ओके, इसके अलावा एशिया भी अनटच्ड रहा। तो रीजन आपको अच्छे से पता है, पिछड़े हुए लोग हैं तो कॉलोनीज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से होगा। ये लोग तो बेचारे शोषण किए गए लोग हैं, यहाँ पे तो हर चीज की कमी है, ये लोग तो गरीब। तो ये साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और दिस 75% ऑफ द एशिया हो गया इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो अभी तक नहीं हुआ है, उस समय क्या होगा, और रीजन अब आपको पता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा और पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने चपेट में रखा। एक जबरदस्त मशीन बेस्ड प्रोडक्शन का दौर शुरू हुआ फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अच्छा, एक मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं आज। मुझे आप लोगों को जितने लोग चाहो तो आंसर लिख के पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, आई विल गिव द फीडबैक। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये होमवर्क खुद से करो पहले, उसके बाद मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। ये वाला क्वेश्चन जो बेसिकली 2013 में पूछा गया है, लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वी आर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड। कि भाई जापान में अब 19वीं शताब्दी 1860-70 में शुरू हुआ है, रशिया में तो और आगे, लेकिन रशिया पूछ नहीं रहा है। तो जापान में एक तो लेट कमर रहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1860s 70s के दौरान, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कुछ यूं हुआ जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर 250 वर्ड्स में एक आंसर लिखें। 250 वर्ड्स में आंसर लिखने का मतलब है A4 शीट का एक साइड बस, नॉट मोर देन दैट। आप लोग जैसे लिखना हो लिखो, गूगल करना नहीं समझ में आता है, नहीं सोच पा रहे हो, हालांकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सोच लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फुल लिबर्टी है, आप जितना सहयोग जहां से, बस कहीं से छापना मत। और पीडीएफ बना के आप लोग चाहो तो मेरे से चेक भी करवा सकते हो, मतलब चेक करवाना टेलीग्राम पे आप लोग, और सेंड करना तो पीडीएफ के फॉर्म में। वो जो 10 फोटो लेके फेंक देते हो ना, 10 फोटो लेके, वो सब बहुत इरिटेटिंग होता है, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। मतलब इतनी तो बेसिकली इतना तो रहम किया करो कम से कम, राइट। अच्छा, इसके बाद में एक छोटा सा मुद्दा और रह जाता है कि भाई आप क्या समझते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव क्या देखा जाए। मतलब प्रभाव अब सब आपको पता है, सब पता है, बस पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों को इसे नोट डाउन कर लेना है, और जहां दिक्कत हो वहां पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर लीजिएगा। पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव हुआ औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है, पता है। ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन, इसी औद्योगिक क्रांति ने WTO, जैसे गैट, जिसे पहले आप गैट भी कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऐसी संस्थाओं की नींव बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसी क्रांतियों ने ही रखी है, कोई दिक्कत, सही वाली बात है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ग्रो हुआ। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण प्रारंभ हुआ, डेफिनेट सी बात है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहां भी बेसिकली मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री जहां एस्टैब्लिश होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री जहां एस्टैब्लिश होते हैं, वो क्षेत्र ऑटोमेटिकली एक शहर में बदल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बेसिक प्रोसेस है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो इस फैक्ट्री में 1,000 एम्प्लॉई है, तो फैक्ट्री के आसपास ही वो सब बसने लगेंगे, अब 50 किलोमीटर दूर तो जाएंगे नहीं, आसपास वो बसने लगेंगे। अब 1,000 लोग अगर कहीं आसपास बसने लगे, कहने का 1,000 लोग का मतलब होता है तकरीबन 5-6 गांव,
तो यहाँ पे इनके लिए स्कूल फैक्ट्री वाले चाहेंगे खोले, इनके लिए हॉस्पिटल खुलेगा, इनके लिए बेसिकली मार्केट खुलेगा, इनके लिए शॉपिंग मॉल खुल जाएगा, इनके लिए प्रॉपर सड़कें इस क्षेत्र में बनने लगेंगी इनके लिए, और प्लस फैक्ट्री के लिए, इनके लिए बेसिकली कॉलेज, तो बस यही तो शहरीकरण होता है ना, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। ठीक है, फैक्ट्री जो है, जो कैपिटलिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को प्रमोट करेगा, और ऑटोमेटिकली शहर का क्या हो जाएगा, शहरीकरण, उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। यही बेसिक प्रोसेस होता है। सो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहीं सब बातें आपको पता है। इनइक्वालिटी, हाँ ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जो पहले मैंने आपको बताया, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी ग्रो हुआ। जो एक तो पूंजीवादी वर्ग आ गया, मार्क्स की भाषा में वो दो शब्द याद है ना, बुर्जुआ क्लास, बर्गवाइजी, या इसे बुर्जुआ भी बोलते हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट क्लास, और जो वर्किंग क्लास था, श्रमिक जो था, वो प्रोलिटारियत, ये मार्क्स की जुबान में बोलते थे, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिकली खाई जो है वो क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि ये अंबानी अदानी होने लगे और ये मजदूर और ऑफिसर होके रह गए बस। ठीक है, सो इनइक्वालिटी काफी इंक्रीज हुआ, फ्री ट्रेड शुरू हुआ, स्वतंत्र व्यापार, डाउनफॉल इन ह्यूमन रिलेशंस ड्यू टू मैकेनाइजेशन, ये तो होना होगा ही होगा, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय रिश्तों में कमियां देखे जाने लगी गई। ठीक है, बिकॉज सब लोग कामकाजी होते चले गए। एग्जैक्टली, ठीक है, ये सब यूरोप में तब हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप आराम से लिख सकते हो, जो पहला वाला क्वेश्चन था ना कि इंडिया में आज की स्थिति से उसकी कंपेयर, ये सब इंडिया में अब हो रहा है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी, ये डाउनफॉल इन ह्यूमन रिलेशंस, वो वाला क्वेश्चन जो था। उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जितना जिसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसको उतने बड़े मार्केट की जरूरत पड़ी, उसको उतने रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी, उसको इतने मार्केट की जरूरत पड़ती थी, तो कॉलोनीज वगैरह, ठीक है, कॉलोनियलिज्म को और प्रमोशन मिला इससे, कि भाई उपनिवेश, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे जिनका रिवॉल्यूशन, जिनका भी बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता गया, उन लोगों ने अपनी कॉलोनीज का और विस्तार, मतलब इंपीरियलिस्ट होते गए, साम्राज्यवादी, क्योंकि वो जो कॉलोनीज होते थे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करते थे। ठीक है, वहां से रॉ मटेरियल, वहां से लेबर फोर्स, और उसी को मार्केट की तरह यूज करना। सो एक तरीके से एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कॉलोनिज्म को, कॉलोनियलिज्म को और इंपीरियलिज्म को भी बढ़ाया है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, कि फ्री का बाजार और फ्री का रॉ मटेरियल कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो इस तरीके से सारी बातें आपको पता है, ये सारा आपका इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छे से इसको इलेबोरेट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में आप फंसते हैं तो। ऑल राइट, बस कहानी खत्म आज की। अब मिलते हैं इंडियन सोसाइटी वाली क्लास में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, और गाइस, हो सकता है कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हो भी सकता है, अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, आज भी तो हिंदू की क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, बट हो सकता है कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊं। अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा ब्रेक मेरी तरफ से मान के चलना, वेडनेसडे से सब कुछ प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल क्लास होगी ही नहीं, बट एक चांस है कि कल शायद मैं नहीं ले पाऊं, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू लाइक माई मदर। तो वेडनेसडे से तो डेफिनेटली, मतलब जस्ट अ गैप ऑफ द ट्यूजडे आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऑल राइट, जाने से पहले इतना मैं बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना आप लोग, ये सब, ये कोड आप लोगों को याद रखना ही है, AR101 सब्सक्रिप्शन में अगर आप इसे यूज करेंगे। देखो, मैं कभी भी प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि मेरा कोड आप यूज करो, ये आपका अपना फैसला होना चाहिए, इसमें आपको अपनी लिबर्टी यूज करनी चाहिए, विदाउट एनी, आपको लगता है कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ, मैं प्रॉपरली गाइड करता हूँ, तो आप डेफिनेटली ये यूज करो, और मेरी पर्सनल मेंटरिंग आपको मिलेगी, 10% ऑफ तो मिलता ही मिलता है। दो सब्सक्रिप्शन जो प्लस एंड आइकॉनिक होते हैं उसका अंतर आपको पता है, प्लस आइकॉनिक में आपको पर्सनल एजुकेटर, पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं, और आपको आंसर राइटिंग पे हेल्प मिल जाती है। कोड मेरा यूज करते हो तो आपको मेरी मेंटरिंग मिल जाती है। इन सबको सोच समझ के, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हो, यहाँ भी कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलता है। मोर देन दैट, जिनको दिक्कतें हैं किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल, वो कॉम्बैट तो किसी भी हालत में छोड़े नहीं, किसी भी हालत में ना छोड़े, इस पढ़ाई का मतलब ही यही कि वहां पे स्कॉलरशिप आपको लेना है।
सीएससी अश्योर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लान अवेलेबल ऑन एकेडमी पे है। देखो तो एक साल वाला सब्सक्रिप्शन कम पड़ जाता है, अभी जो मेगा एक्सटेंशन था उसमें 3 महीना 6 महीना, बट एक साल का तैयारी कहीं भी कभी भी हो ही नहीं पाती है, वो ना हुई है ना हो पाएगी, 3-4-5 महीना तो ऐसे ही हंसने खेलने में बीत जाता है। तो 2 साल का टाइम बहुत जबरदस्त है, और 2 साल के टाइम में 1 साल आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, मतलब आपको तैयारी करने के लिए जो रिसोर्स है उसकी कमी तो एकदम दूर हो जाती है। हर 6 महीने पर टेंशन नहीं कि कोचिंग खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लान होता है। अगर आप लोगों को ईएमआई वगैरह पे लेना है ठीक है, तो इसके यहाँ भी अवेलेबिलिटी भी जबरदस्त है, ईएमआई आपको पता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है और आपको कुछ करना नहीं है, आप बस मुझे बताइए सर मेरे को सब्सक्रिप्शन चाहिए, रेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मेरा कोड यूज करना चाहते हो तो वो आपका अपना डिस्क्रिशन है, आप उसे कर सकते हो, आप उसे नहीं भी कर सकते हो। राइट, थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं 5 बजे इंडियन सोसाइटी वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।